कि देवरा का बेटा जो होता है वही असली हीरो है। फैमिली भी देख सकती है, मूवी अच्छी है और मतलब सस्पेंस है, जैसे आपको लगे कि शुरू में बोरिंग है लेकिन नहीं है। हमने भैया अभी मूवी देखी नहीं है। साउथ मूवी का ही अब कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, अब बॉलीवुड में जिस तरह से दिखाती हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी मूवी है ये। एवरेज। अरे कैसी लगी आपको मूवी? सुपर। ऐसा कोई सीन बेहतरीन आपको एकदम याद हो? अब सीन तो नहीं बता सकते लेकिन मूवी बहुत अच्छी। साउथ की मूवी कब से देखना आपने शुरू? बाहुबली से। इस वक्त हम हजरतगंज में साहू सिनेमा के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आज देवरा मूवी रिलीज हुई है। NTR की सबसे बेहतरीन और साउथ की सबसे धमाकेदार मूवी ने एंट्री लिया है। तो चलिए हम इससे लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं क्या सही में बाहुबली और तमाम साउथ पुष्पा जैसी मूवी के बाद क्या ये साउथ की मूवी धमाका मचा पाएगी या नहीं, ये हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद सिद्दीकी। क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप मूवी को? मूवी बहुत अच्छी है, सस्पेंस था स्टार्टिंग से मूवी में और मूवी बहुत अच्छी है। नहीं, 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? 10 में से 9। मैम आप देख के आई है मूवी, ऑब्वियसली आप देख रही हैं कि साउथ में जो है बाहुबली मूवी आने के बाद लगातार धमाल मचा रही है नॉर्थ में, तो क्या लगता है ये मूवी कितना धमाल मचा पाएगी? बहुत ज़्यादा अच्छी है और मतलब सस्पेंस है, जैसे आपको लगे कि शुरू में बोरिंग है लेकिन नहीं है ऐसी। बहुत ऐसा कोई सीन आपको याद हो जो आपको एकदम दिल में बैठ गया हो कि ये सीन मुझे याद रहेगा? कि देवरा का बेटा जो होता है वही असली हीरो है ये। और NTR और सैफ अली खान में किसको आप क्या दे? NTR तो बेस्ट है, सैफ अली खान जैसे रोमांटिक फिल्म के लिए जाना जाता है लेकिन ये जो इसमें कमबैक किया है बहुत अच्छा है। बढ़िया है, बढ़िया मूवी है एकदम बेहतरीन। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 8। 8 देना चाहेंगे। सर मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा है। नॉर्थ के बाद नॉर्थ में क्या लगता है साउथ मूवी धमाल मचा पाएगी? हाँ, साउथ मूवी का ही अब कल्चर आ रहा है धीरे धीरे, अब बॉलीवुड फिल्में जिस तरह से दिखाती हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी मूवी है ये, और जिस प्रकार साउथ वाले एक्शन सीन देते हैं बॉलीवुड वाले नहीं दे पाएंगे। सैफ अली खान और NTR में किसको? NTR का रोल सबसे अच्छा रहा। NTR का रोल जी। कोई ऐसा सीन आपको याद हो? सीन जो नाव पर का सीन था जब जिसमें NTR पानी के अंदर जाकर मार रहे होते हैं दुश्मनों को, वो सीन सबसे बढ़िया दिखाया। एवरेज। ऐसा क्यों लगा आपको एवरेज? बस वैसे ही, कोई स्टोरी बहुत ओल्डेस्ट थी और फिर एवरेज है, मिला जुला 50%। मैम कुछ कहेंगे? बहुत सुपर है, बढ़िया मूवी। कैसी लगी बता सकते हैं? ठीक है सर, बढ़िया है। क्या ऐसा कोई सीन आपको याद हो? लास्ट वाली सीन जो मछली पे बैठ के निकल रहा है, अच्छी सीन है वो, बढ़िया। क्या मतलब ये क्या फैमिली के देखने साथ लायक है? हाँ, फैमिली भी देख सकती है, मूवी अच्छी है भाई। बढ़िया थी, बाहुबली जैसी ही थी, एकदम बाहुबली जैसी। हाँ ठीक है, धमाल मचा दिया मूवी ने। वेरी गुड। भैया कैसी लगी मूवी? हमने भैया अभी मूवी देखी नहीं है। क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ की एंट्री हो चुकी है? हाँ बिल्कुल हो चुकी, पूरी तरीके से। रेटिंग देना चाहेंगे आप मूवी को 10 में से? 10 में से 10। 10 में से 10 देना। ऐसा क्या आपको बेहतरीन लगा? इसका पार्ट 2 भी आएगा? नहीं, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 अभी आप देख करके आ रहे हैं। पार्ट 1 बहुत बढ़िया। ये क्या फैमिली के साथ देखने लायक है? बिल्कुल फैमिली के साथ। कोई ऐसा बेहतरीन सीन आपको एकदम याद हो, एकदम आपके दिल में बस गया हो कि अब मुझे यही सीन है, एकदम जोश आ गया हो आपको, तो ऐसा कोई सीन आप बताना चाहेंगे? नहीं, लास्ट वाला नहीं, जब वो नाव के वो कुरेदता है अपने आप से। हाँ, वो सीन बहुत धाकड़ सीन है। साउथ की मूवी देवरा, NTR के हीरो का रोल जिसने किया है, वो किस तरह लोगों ने रिव्यू किया? लोग कह रहे हैं 10 में से 10, ये एकदम धमाकेदार है, बाहुबली से भी बहुत बेहतरीन मूवी है। कैमरामैन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।